तो ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता रहे कि पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरबीर रेवाड़ी नागरिक अस्पताल पहुंचे हैं। परिजनों से पीड़िता का हाल उन्होंने जाना है। ये बताया है कि खतरे से बाहर है पीड़िता, पीड़ित परिवार इलाज से संतुष्ट है, जरूरत पड़ने पर भी आगे भी उनको रेफर कर सकते हैं। इसके साथ ही ये कहा है कि कोताही बरतने वालों पर भी कार्रवाई होगी, पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, क्योंकि लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, और ये कहा है कि जल्द जो बाकी आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी। आप बता दें कि पीड़िता खतरे से बाहर है, राव नरवीर ने कहा है, उनका बयान आया है, इलाज से पीड़ित के परिजन संतुष्ट हैं, जरूरत पड़ी तो हम उन्हें किसी और अस्पताल में भी रेफर करेंगे, और जो कोतिहाई इस पूरे मामले में बरतेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साफ साफ यहाँ पर जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे, अब ये कहा गया है कि लापरवाही अगर किसी ने बरती पूरे मामले पर तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरबीर अस्पताल पहुंचे, पीड़िता का हाल जाना, और क्योंकि ये भी कहा है, पीड़िता की माँ ने कहा था कि ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बेटी को बूचड़खाने में पटक दिया, उसके बाद उनका ये बयान आया है।